इस वक्त मैं हूँ यामानाशी प्रीफेक्चर में और जापान में आ गया ये ग्रेप्स का सीजन। बहुत ही मज़ेदार जापान के ग्रेप्स होते हैं, इसे कहते हैं शाइन मस्कट। मेरा सबसे फेवरेट ये ग्रेप है। तो देखिए कितना ज़बरदस्त ये ग्रेप है। तो मैं एक में ट्राई करके मैं आपको दिखाता हूँ कि इसका टेस्ट कैसा होता है। देखें देख रहे इसका जूस बहुत ही मीठा होता है ये, और इसका जो छिलका है बिल्कुल पतला सा होता है और इसके अंदर कोई बीज नहीं होता। जो यहाँ का बाग चलाते हैं उनसे मैं ऐसा दिन का इंटरव्यू करूंगा। तो ये 100 सालों से इनका बिजनेस चल रहा है। पहले इनके परदादा करते थे, फिर दादा करते थे, फिर इनके अबू करते थे, फिर अब इस बिजनेस को ये संभाले। और ये पूरे जापान में यहाँ से जो ये ग्रेप्स हैं जाते हैं, तो 56 किस्म के ग्रेप्स यहाँ पे होते हैं जो यहाँ पे बनाते हैं। और उसमें से जो मेरा सबसे फेवरेट है वो शाइन मस्कट होगा। इसी बस की नाम वैसी है सर। इसी बार रैंकिंग दे यू तो या पर दोनों का एक नहीं की नाम है, पर शायद डांटोस दे शाइन मस्कट। तो ये शाइन मस्कट है, मेरा भी सबसे फेवरेट था। और जैसे मैं इनसे पूछा, ये भी यही कह रहे हैं कि सबसे बेस्ट जो इस वक्त ग्रेप है जापान का वो ये शाइन मस्कट है। तो ये भी दिखाएं, ये उससे भी बड़ा वाला है, ये शाइन मस्कट से भी बड़ा वाला अंगूर है। देखें उससे भी बड़ा अंगूर, और इसका भी इसी तरह छिलका भी पतला है और इसके अंदर भी कोई बीज नहीं होता। इतना मज़ेदार ये ग्रेप होता है ना, ये भी मैं ट्राई किया था, बहुत ही मज़े का था। तो देखिए नस्लें कैसे बनती है ग्रेप्स की। ये था शाइन मस्कट और ये है विंक। इन दोनों को आपस में मिला के फिर इन्होंने एक नई नस्ल तैयार की है। पूरी रिसर्च होती है इसके ऊपर। यामानाशी के जो ग्रेप्स है बहुत ही फेमस है और पूरा एरिया यहाँ पे भरा हुआ है, बड़ी बड़ी कंपनी है यहाँ पे। उसमें से जो इनके पास जगह है वो है 3 हेक्टर। तो इनका बाग थोड़ा सा देख रहे हैं, दोनों का बाग कैसा होता है। तो देखिए कितना अच्छे तरीके से मैं मैनेज किया और यहाँ पे टेबल वगैरह कुर्सियाँ लगाई। यहाँ से फ्रेश अंगूर आप तोड़ के यहाँ पे ही खा सकते हैं, हल्का सा बस इन्होंने धोना है। ये देखें एक केक, इक्को जुत्सु फुकुरो दे थाइसेट्सु निशु निशु। देखें एक एक ग्रेप को इन्होंने, एक एक गुच्छे को इन्होंने थैले के साथ, पेपर के साथ इन्होंने पैक किया होता है। तो ये थैला जो है एक तो आपको परिंदों से भी बचाता है, यहाँ पे बैक्टीरिया वगैरह जो आप यहाँ पे स्प्रे मारते हैं जब, तो स्प्रे से भी बचाता है, स्प्रे डायरेक्ट इसको टच नहीं करता। और उसके बाद यहाँ पे जो डस्ट होता है उससे भी बचाता है इस चीज़ को। और यहाँ पे अगर कोई छोटे छोटे जो कीड़े होते हैं उनसे भी इसको बचाता है। तो एक ही पेपर ये बहुत सारी चीज़ों को बचाता है। तो बहुत ज़बरदस्त ये पेपर है और एक एक ग्रेप के गुच्छे को इन्होंने पेपर लगाया, बड़ी बात है। बड़े अच्छे तरीके से सफाई के साथ सोचते हैं यहाँ पर सुगो खिले देते हैं उन्हें तो नहीं मोनो सुगो खिले देते हैं हम क्यों गा ही देते हैं ここの空気もすごい美味しいですし山梨標高が高いんですよ標高はそうですね全体でもそれでもね400メーターぐらい400メーターぐらいミネラルウォーターの産地なんですあそうなんですかそうなんですだからそれで水はすごく綺麗ではいはいはいじゃあその水を使ってるってことですかये जो ज़मीन है, ये यामानाशी प्रीफेक्चर की जो ये जो ज़मीन है जहाँ पे ग्रेप बन रहे हैं, ये इस वक्त ज़मीन से 400 मीटर की बुलंदी के ऊपर है। एक तो ये अच्छी बात है कि यहाँ के ग्रेप क्यों अच्छे हैं, और एक और बात है, कहते हैं कि मेरे परदादा वगैरह, मेरे दादा डैम वगैरह से यहाँ का पानी बहुत ही मज़े का होता है। वो साफ़ सुथरा पीने वाला पानी डायरेक्ट यहाँ पर लेकर आते हैं, वो ज़मीन के नीचे है, वो पानी इन अंगूरों को दिया जाता है, इसलिए इतने बेहतरीन और ख़ूबसूरत ये ग्रेप तैयार होते हैं। इस बाग का नाम है सेंकायन। तो ये नाम आप याद रखें, सेंकायन। जब भी आप यामानाशी में आएंगे, सेंकायन आप गूगल पे भी डालेंगे तो गूगल से निकल आएगा। बाकी जो एड्रेस वगैरह इस जगह की लोकेशन मैं आपको नीचे आप यहाँ पे डाल देता हूँ। जब भी आप यामानाशी में आए, सबसे बेहतरीन अगर आपने अंगूर खाने हैं तो आपने सेंकायन में आना है और यहाँ के अंगूर आपने ट्राई करने, बहुत ही मज़ेदार है। शाइन मस्कट हम तो नहीं आ रहा था।